जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और पृथ्वी पर रहने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी होने के साथ साथ यह बहुत डरावना भी है। पानी से भरे इस समुद्र के अंदर हमारे खोजकर्ताओं को कई सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्हें देखने के बाद किसी के भी डर के मारे पसीने छूट जाना जाहिर है। हर दिन ज़मीन पर या समुद्र में वैज्ञानिक ऐसी चीज़ें खोजते हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं, इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको समुद्र के अंदर मिलने वाली कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। द लॉस्ट शिप ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज के बारे में तो ज़्यादातर सभी जानते हैं। टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा कर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस जहाज में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से लगभग आधे लोग ही सही सलामत बच पाए थे। टाइटैनिक जहाज के पास उस समय सभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ सपोर्ट मौजूद नहीं थी और इसी वजह से जहाज के लगभग आधे पैसेंजर्स को पानी में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये कहानी लगभग 111 साल पुरानी है, लेकिन आज भी टाइटैनिक जहाज के ऊपर मीडिया और मूवीज की चर्चाएं चलती रहती हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद टाइटैनिक का मलबा साल 1980 में खोजा गया था और इस खोज के बाद काफी सारे रिसर्चर्स समुद्र के अंदर जा चुके थे और इन खोजकर्ताओं को लगभग 100 जोड़ी से भी ज्यादा लोगों के जूते मिल चुके हैं। इन जूतों को देखकर ही पता चलता है कि इस हादसे में कितनी लोगों की जाने गई थी। ये मंजर देखने में ही काफी ज्यादा डरावना लगता है। वैसे आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। द सनकिन स्कल्पचर। क्रेवियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनाडा में हमारे रिसर्चर्स को कई सारे डरावने पुतले मिले हैं। ये पुतले पानी के अंदर किसने और क्यों बनाए ये तो पता नहीं चला, लेकिन इन पुतलों को इंसान द्वारा ही बनाकर पानी के अंदर लगाया गया था। अंडरवाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड। साल 2015 में मेडागास्कर के समुद्री गुफा में रिसर्चर्स को एक ग्रेवयार्ड मिला जिसके अंदर 4 लेवर मौजूद थे। पानी के अंदर मिलने वाली अंडरवाटर ग्रेवयार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। यहाँ मिलने वाली फॉसिल्स को जब समुद्र से बाहर निकाल कर उन पर रिसर्च की गई तो यह पता चला कि ये लेमन्स की एक बहुत पुरानी प्रजाति है। इनका कद कुछ हद तक डायनासोर से मिलता था। साल 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन एरिड जहाज ग्रीक आइलैंड के एंटी कैथरा में पाया गया था। जब इस जहाज के ऊपर रिसर्च की गई तो उन्हें यहाँ से चक्री की तरह दिखने वाली एक अजीब सी चीज मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था और दिखने में ये पुराने जमाने के कंप्यूटर जैसा लग रहा था। इसका नाम एंटी कैथरम मैकेनिज्म रखा गया था। 75 साल तक इसका यही नाम पड़ा रहा। कुछ लोगों का कहना था कि यह दुनिया का पहला कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल पहले के ज़माने में ग्रहों की दिशा जानने के लिए किया जाता था। पुराने ज़माने के लोग इसके जरिए मौसम और मौसम के जरिए होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा कई लोगों का यह भी कहना था कि यह मशीन भाग्य के बारे में भी बताती है। यह मशीन अपने समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस थी, जिसे देखकर ही पता चलता है कि हजारों साल पहले भी मनुष्यों के पास बहुत दिमाग हुआ करता था। से आखिरी और रहस्यमय, काफ़ी लोग दावा कर रहे हैं कि ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो हम सभी को हक्का बक्का कर देगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की गहराई में पीली ईंटों से बनी एक सड़क का पता लगाया है। इस सड़क को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोग इस सड़क को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बता रहे हैं। हालांकि रिसर्चर्स इसे हजारों साल पहले प्रशांत महासागर में डूबा हुआ एक आइलैंड बता रहे हैं। रिसर्चर्स ने मजाक में बोला था कि यह एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।